मसीह ने अपने आप को सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ बना करके रखा। देवियों सज्जनों, आप लोगों के विजेता इस IQ प्रेजेंस बैटल ऑन मोबाइल इंडिया प्रो सीरीज के रहने वाले हैं टीम सोल। जिस तरीके से इनकी तरफ से प्रदर्शन आया, इनकी तरफ से यहां पर काबिलियत देखने को मिली है, हर एक चुनौती को पार पा पर के इन लोगों ने अपने आप को सबसे ऊपर रखा है, चैंपियंस कहलाए हैं। बहुत कंटेंट हो गया, ट्रॉफी मैच, ट्रॉफी दिस। See, I would have wanted अगर आप लोग यहाँ पर आकर के उठाते, क्योंकि बहुत भारी है, मुझसे अकेले से नहीं उठेगी। Star Sports का जो इवेंट है उसका एडवर्टीजमेंट का शूट है, एंड टेक्निकली मी बीइंग द वॉइस ऑफ ई-स्पोर्ट्स, इन लोगों ने मुझे इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया कि ओशन शर्मा है, ये है वॉइस ऑफ इंडियन ई-स्पोर्ट्स। सो मी बीइंग द वॉइस ऑफ इंडियन ई-स्पोर्ट्स, मेरा काम रहने वाला है कि उस पूरी चीज के अराउंड वॉइस देना, वॉइस ओवर्स करना। सो गाइस, कानों में वो धुन बजने लग गई है जिसका मतलब होता है प्रारंभ हो रहा है। ये आदमी लेजिट फोर फिंगर प्लेयर ही है, जो फिंगर होता है फिंगर प्लेयर ही है। गर्लफ्रेंड तो बहुत खुश होती होगी, बहुत बहुत गर्लफ्रेंड तो खुश होगी ना। मैं मतलब ये मानना चाहते हैं गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन बंदा मेरे को क्या रिप्लाई किया करता है, क्या वर्ल्ड्स मोस्ट सैटिस्फाइंग हस्बैंड बनेगा ये। सो गाइस, हमारी ट्रॉफी और जो मीम है कि जीते हारे कोई भी ट्रॉफी सबसे पहले ओशन उठाता है, वही चीज करते हैं हम लोग, नजर आ रहे हैं प्रॉपर आ चुकी है। ये जीतती है तुम्हें, उड़ते रहो हमेशा, फ्लाई। सही है भाई एक्टर, तुम्हारी टीम तो उड़ ही रही है अभी, बस एकदम हमारी शान है ये। बिना फुल मजा नहीं आता है। कैसन बा, कैसन बा, आगे कंटेंट चूसने, हमसे तुमसे ही कंटेंट चूसने, हमसे आगे कंटेंट चूसने, खुले में बोलो कंटेंट चूसने आगे। इसकी शक्ल बहुत अच्छी वाली है। सो ऐसे होता है जो तुम्हें टीवी पे दिखता है वर्सेस, और रे ये कैसा बिहाइंड द सीन है जो यहीं पे मिलेगा तुम्हें। मस्त चीज है, सोल गॉड लाइक, उधर भी एक साथ, इधर भी एक साथ। फिट हूँ मैं क्या, इतना ही है मेरा पेट। ये जो ई-स्पोर्ट्स प्लेयरों के रात रात को बर्गर शर्गर खा के जो पेट बन रहा है, मैं तो फिट हूँ भाई, बाकी लोग अनफिट होंगे। देख ले कितना ही ट्राई करें, एक MRF का टायर है इसमें। यहाँ पे जड़े हटाओ, जल्दी हटाओ, यहाँ पे जड़े लगे, अलग ही फिटनेस है। तुम किसके अगेंस्ट खेल रहे हो? अगर आज जॉनी मतलब गॉडलाइक टॉप पर नहीं गई, आज के पॉइंट पे, तो ये मुझे गाड़ी गिफ्ट करेगा, अदरवाइज मैं इसको गाड़ी गिफ्ट करूंगा 100% डन। चल ऑल द बेस्ट, ये मोटिवेशन देनी पड़ती है लॉन्डो को, तब जाकर बढ़िया होता है, बट ऑल द बेस्ट। वो वाला स्काउट ना एक अलग स्काउट था, 2019 वाला स्काउट, मुझे आज भी याद है वो वाली एंट्री जो करके करी थी इसने। ऑडियंस ही ना, हां फील द ऑडियंस में आते भाई, फील द ऑडियंस में ताकत मिलती है ऑडियंस, यू गेट द एनर्जी नो भाई, ऑफ कोर्स पीपल शाउटिंग एंड एवरी सिंगल नॉक, पीपल विल शाउट द नेम ऑफ द पर्सन, एंड पूरी उधर स्टेडियम गूंजता था। गाइस आज मैंने पकड़ा है थक को यहाँ पे, मैं थक को नहीं, एक्चुअली मैंने अनिमेश अग्रवाल को पकड़ा है, जिसका इंस्टाग्राम अनिमेश अग्रवाल है, जो कि फैशन लाइफस्टाइल वाला आदमी है, उसको नहीं पकड़े, उसको पकड़ा आज मैंने। तो फिर ना मेरे को एक चीज जाननी है, अगर मुझे कभी जाना हो खर्चा भी थकवा करने के लिए, तो मुझे कितने पैसे उठाने चाहिए अपने साथ, अगर मुझे मतलब बढ़िया से एकदम घड़ी उठानी है, बढ़िया से कपड़े उठाने हैं, दिन में मैं कितना खर्चा करूं? अगर तुम्हें बढ़िया से घड़ी के साथ जाना है, यू वांट टू गो विद वॉच एंड क्लोथ एंड एक्सेसरीज, सिर्फ कपड़े लेगा ना, बैग वैग नहीं लेगा ना? बैग LV का एक बैग लूंगा और क्या। अच्छा तो फिर तू 25 लाख रुपए में काम हो जाएगा। टीवैक्स पार्क वाले उधर, यहाँ पर 8-bit अल्ट्रॉन को तंग कर रहे हैं लोग, बैट के अल्ट्रॉन को तंग कर रहे हैं। वार के जो प्लेयर्स हैं ना, दे हैव जली का जर्सी देयर और कुछ नहीं। ये आपकी अमानत है सर, खोलिए इसको जरा हल्का सा, जो सोच रहा हूँ वही है कि इसके नाम को तो गाइस ये देखो क्या दिया है, एंड कर दो ओशन को, एंड कर दो गाइस, ये देखो, ये देखो
यहाँ चल रहे कलेश अलग से, स्टैट के बीच में अलग कलेश दिखा रहे हैं। अभी मेरे साथ एक ऐसा आदमी है जिसने कुछ हफ्ते पहले ना एक लाइन बोली थी जो कि मुझे लगता है हर किसी को पसंद आई थी, वो था कि ई स्पोर्ट्स इतना बड़ा होगा ना कि वानखेड़े स्टेडियम्स हर जगह पर ई स्पोर्ट्स के मतलब चर्चे होंगे। कैसा लग रहा है? हो चुका है स्टार स्पोर्ट्स, हो चुका है थोड़े सालों में विल बी लाइव ऑन स्टार स्पोर्ट्स फ्रॉम वानखेड़े। व्हाट इज अप ब्रो? आज तो होंगे कंगलेश, नंगा नाच होगा मौत का। ये क्या था? बीच हाईवे में टायर पंचर हुआ, तुम लोग चैनल शॉट आउट दे रहे हैं, मतलब देख रहे हो क्या एक अलग टॉर है इस यूट्यूबर की, एक अलग टॉर है। मैं पता है जब Who's the daddy? पापा कौन है? क्या ये कौन सी भाषा है? अबे ये हम लोग की भाषा है बे। ऐसे कॉल आउट देते हो तुम लोग एक दूसरे को? कौवा क्या हुआ? मुझे जानना ये है कि ये क्या चूज करता है, ये आदमी पनौती है, और अगर इसने एफएस चूज किया तो मेरे को पक्का हो जाएगा ये पनौती है। एक्सो टीएक्स लेकिन खेल नहीं रही ना, खेलने वाली टीम को डालना है। मैं कह रहा हूं अगर गॉड लाइक, इसने गॉड लाइक चूज करी है, ठीक है, अगर ये कर लेता ना वो मतलब एनिग्मा फर्स्ट हो सकती है भाई। ये क्या है, एनिग्मा गई इस हफ्ते में टॉप पे, गॉड लाइक सेकंड हो गई एंड में, ठीक है, प्लस माइनस होता रहता यार। क्या बोला? इससे भयंकर कुछ नहीं होता सच में। ये मतलब ये दिखाता है कि फाइनल्स अभी भी वही सेम एंथुसियाज्म के साथ है, सेम चीज के साथ है, और मतलब सेम मजे के साथ है। लेकिन आज स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में बोल दे कि मौत का नंगा नाच होगा। रुक जा भाई, सुसु लगी है बहुत जोर से। ग्रैंड फाइनल्स गेम वन, ऑल द बेस्ट बडी, जय माता दी, लेट्स रॉक। आई कास्टेड माय लंग्स आउट द वे द गेम हैपेंड, almost था, but bye, nicely played. तूने 1v4 किया इनको, okay, 1v4 किया क्योंकि तूने पहले एक को डाउन किया, फिर दूसरे को डाउन किया, और उसका फिनिश नियो ने उठाया, फिर तूने एक ग्रेनेड से बाकी दोनों को मारा, तो तूने 1v4। कैसा लग रहा है MVP बनके? सो ऐसा है कि जॉनी के बिना MVP अधूरा है, और MVP के बिना जॉनी अधूरा है, सो यही है। बाय द वे गाइस, एक मस्त चीज दिखाता हूं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ कास्टर, सेकेंड जनरेशन ऑफ अ कास्टर, लर्निंग कास्टर, एंड मतलब हैशटैग सीख रहे हैं नहीं बहुत ज्यादा ओजी का ऐसे थूक इस पे इसके बाद लगा था भाई वो गुस्से में था लेजिट। मैं एक बार के लिए मेरी हालत वो हो गई कि मतलब उसके पास अगर बात करने भी गया ना, ऑल द बेस्ट भी बोलने गया, मैं ऑल द बेस्ट करने गया, मेरे पड़ेगी, मैं हट गया साइड से, मैं कर नहीं। वेलकम टू एफएस ओशियन शर्मा, कैसा लग रहा है आपको अभी? बस सैलरी थोड़ी कम दे रहे हैं, मैंने 10 लाख की डिमांड करी थी पर मंथ, मेरे को 7 लाख मिल रही है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सहना पड़ेगा, $10 बहुत है, चल जाता है। हाँ तो तंबू में बंबू लगाई भाई, डांस पे जीपे मैं दे चुका हूँ आगे जाके प्रॉपर। Then we have a lot in common. I do. सही लग रही है? अच्छी तो लग रही है। बस ठीक है। बड़ी नीचे। हाथ के लिए बड़ी। ये खुद बोल रहा है नीचे, अब देखो। नहीं मेरे को दे सकता है। हाँ? Next में। मेरे को दे सकता है। I'm तो ready। चल अब ये भूल जाइए। संभाल के रखियो लेकिन। क्या क्यों रात को चाहिए क्या? नहीं वैसे अबे जिंदगी में संभाल के रखियो लोडू। चलो थैंक यू गाइस, हमको वॉच मिल गई फ्री की। देखते 8 बिट का कमबैक होता है इस वॉच से या नहीं। मैं खिलाऊंगा तुझे, ये ले और ले।
हां देखो खिला जॉनी तू खिला खेल ले क्या ये ऑल द बेस्ट हैं थैंक यू भाई वो बेंच इसमें मारा ना हाथ दुख रहा है मेरा अच्छा जीतने के बाद हां जीतने के बाद ऐसे मारा था इसने भाई ये हाथ बचा के रख ले तेरे को अभी समझ रहा है द टूर्नामेंट दैट टुक एवरीथिंग फ्रॉम दीस प्लेयर्स अब मैटर बस यही करता है कि अपना बेस्ट इनको देना है वो बेस्ट जैसे भी दें अपना सबसे अच्छा वाला गेम प्ले आज दिखाना पड़ेगा कहीं पे खुशी होगी कहीं पे दुख होगा बट एट द एंड ई स्पोर्ट्स को जीतना है ये जीत ये ट्रॉफी ये टीवी का एंथुजियाज्म ये हम लोग डिजिटल एरा से लेकर के आए हैं और आज ये दिखाना है कि ई स्पोर्ट्स कैसे एपिक स्पोर्ट्स बना है दिस ट्रॉफी इज़ फॉर एवरी फैन एंड दे वॉन्ट इट मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ आज के दिन मेरे कास्टिंग के 3 साल हुए और टेक्निकली अगर देखा जाए ना इसने और मैंने कास्टिंग एंड सब चीज सेम स्टार्ट करी थी मैं कहीं और था ये आदमी नॉर्डविन में था तब से लेकर के अब तक एक्चुअली प्रॉपर चले लिटरली हम दोनों का साथ में स्टार्ट हुआ था यस मैं ट्रॉफी के साथ देने को तैयार हूँ अगर ये माने तो अभी नहीं खोल रहे फिर ये सिर्फ ट्रेलर है इसका खोल दे अब रहने नहीं वो जीतेंगे भी पर खोल ही देता अभी दे चुके तो ऐसा बुरा नहीं मानता बढ़िया ये सेम घड़ी मेरे पास भी अभी सेम घड़ी तेरे पास वाइप करेंगे हम लोग The final vibes are fucking on. Guys, so नमन आ चुका है यहाँ पे एंड ऑब्वियसली हम लोग पता है दोपहर से हो रहा है नमन आ रहा है हम लोगों के लिए मॉडल हम लोगों के लिए नमन है We are recreating the epic meme जो कि चलिए फुल पैक फुल जो अरे अरे कैसे टेबल के नीचे से दिख रहा था ऐसे ही दिख रहा था यहाँ से एक गेम गॉडलाइक के पास ऑलमोस्ट थ्रोन आ चुका है सिर्फ तभी वो हार सकते हैं अगर कोई उनको डाउन कर दे जल्दी और सेकंड थर्ड फोर्थ वाली टीम बढ़िया चिकन डिनर निकाल ले तभी वो बाहर हो सकते हैं अदरवाइज देयर इज नो चांस ग्लोबल ईस्पोर्ट्स को मिल गई है ट्रॉफी टीम सोल टीम गॉडलाइक की हम बात करते रहे एंड एट द एंड वही हुआ जिसके आज उसका डर था दो टीमें लड़ती रही कोई और प्रॉपरली गेम नहीं पता क्या ये बेस्ट पार्ट पता क्या ये उन लोगों पे स्लैप है जो ये बोलते थे कि हैक कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं उन्होंने बोला अभी बोलते थे लैंड में नहीं हो रहा जी GoPro लगाया हैंड कैम हुआ सब हुआ भाई इस बंदे की मेहनत है सिर्फ एक बात बोलूंगा आपके व्लॉग्स में आजकल बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं सबको सिर्फ एक छोटा सा मैसेज दे दूंगा कि कोई अपनी टीम को कैसे डिफेंड ना करे डिफेंड करूंगा मेहनत भी करेंगे जीतेंगे भी और ऐसे करके खड़े होंगे ऐसे डंके की चोट पे बट पीछे शोडाउन का लोगो एंड ऑल सब चीज तुम लोग देख पा रहे हो पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये ट्रॉफी मेरे बाद अब कौन सी टीम उठाएगी कोई अच्छा खेलेगा कोई बड़ा खेलेगा आई नो आई एम एक्सपेक्टिंग शायद कोई बड़ा नाम बाहर हो सकता है बाकी जब होगा तब देखा जाएगा बट एज ऑफ नाउ दिस इज वन पार्ट ऑफ माय एक्सपेक्टेशन ओवरऑल गाइस एक चीज दिखाता तुम्हें इसने ये नट ओपनर और ये नकली है देखो नकली है बाली आ गया हाथ में आज कुछ टीमें बाहर हो जाएंगी बट कुछ टीमें ऐसी होंगी जिनकी रेस अभी भी रहेगी सिर्फ और सिर्फ इस ट्रॉफी को अपना बनाने के लिए 3, 2, 1 Game 2 Godlike went to Picardo Soul El Pozo सीधा फ्लाइट पाथ ऐसा था और सोल यहाँ गई दिस इज जस्ट गेटिंग वेरी वेरी इंटेंस नाउ बहुत सारी टीम्स का ना अभी लास्ट गेम बचा है दिस इज द फोर्थ गेम बट बहुत सारी टीम्स का लास्ट गेम है मतलब समझ लो क्या इमोशंस रहेंगे हम लोग हो चुके रेडी आज जाने के लिए फाइनल स्टार्ट हो रहे हैं पहला गेम हम लोग 2.5 मिनट के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं हर एक चीज प्रॉपरली एक ऐसी चीज जो शायद एक्सपेक्टेड भी थी लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुई है सोल वर्सेस गॉडलाइक वापस से होता हुआ
एक दिन का फाइनल, और उस एक दिन के फाइनल में ना इतने सारे इमोशंस हैं मेरे ख्याल से, एक परफेक्ट एक अलग ही समेशन देखने को मिलेगा। बट जो चेंजेस हुए हैं, जो चीज़ें बदली यहाँ पे, आई एम प्रीटी श्योर मैं एक दिन इन लड़कों को ट्रॉफी उठाता हुआ देखूंगा, 100% देखूंगा। 7C डेफिनेटली कॉन्कर्ड एवरीवन। लास्ट के दो टूर्नामेंट से एक बात चल रही है, वो है कि लाइक बाकी टीमें लड़ती रहती है और कोई और आकर के जीत जाता है, एंड 7C उन्होंने कर दिया। कैसी लग रही है ट्रॉफी? बहुत बढ़िया, फर्स्ट ट्रॉफी भाई हमारी तो। अच्छी लगेगी। अबे अबे अबे। ओ भाई ये लो। ट्रॉफी और ऊपर उठा ले।